बिग बॉस का 11वां सीजन 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। इस बार भी कई आम लोग इस शो का हिस्सा बनेंगे। इनमें से एक है अंडरवर्ल्ड में गौडमदर के नाम से फेमस और डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पार्कर का रिश्ते में दामाद लगने वाला जुबैर खान। जुबैर के अलावा डांसर सपना चौधरी, तांत्रिक शिवानी, दुर्गा ज्योति कुमार का नाम भी फाइनल हो चुका है। दाऊद की लाइफ पर बना चुके हैं फिल्म। शो के शुरू होने से पहले इसका एक प्रोमो भी सामने आया है, जिसमें जुबैर खान खुद अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड में उनकी शादी जरूर हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई है। जुबैर खान को मुंबई में एक फिल्म मेकर के रूप में जाना जाता है। वे दाऊद इब्राहिम पर बिग दाऊद नाम से फिल्म बना चुके हैं। हालांकि किसी कारण से वे फिल्म अभी तक सिनेमा के पर्दे पर नहीं आई है। इसके अलावा जुबैर फिल्म लकीर का फकीर भी बना चुके हैं। इसमें बिग बॉस के एक कंटेस्टेंट एजाज खान काम कर चुके हैं। एक इंटरव्यू में जुबैर ने कहा था कि उनका अंडरवर्ल्ड से काई कनेक्शन नहीं है। यह पहला मौका है जब जुबैर किसी शो का हिस्सा बनेंगे। इससे पहले डॉन अबू सलेम की गर्ल फ्रेंड मोनिका बेदी भी बिग बॉस में नजर आ चुकी हैं। अंडरवर्ल्ड में गौडमदर के नाम से फेमस थी हसीना जुबैर की सास यानी हसीना पार्कर को मुंबई के नागपाड़ा में लोग गॉडमदर के नाम से भी पुकारते थे। हसीना पार्कर का जुर्म से कोई सीधा नाता नहीं था। दरअसल 1991 में गैंगस्टर अरुण गवली ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए हसीना के पति अब्राहम पार्कर की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी। बस यहीं से हसीना ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा। अपने जीजा की हत्या का बदला लेने के लिए दाऊद ने अरुण गवली की जेजे हॉस्पिटल में शूटआउट कर हत्या करवा दी थी। इसके बाद हसीना मुंबई में नागपाड़ा स्थित गॉर्डन हॉल अपार्टमेंट में शिफ्ट होगी। बताया जाता है कि उसे ये घर उसे इतना पसंद आया था कि इसका ताला तोड़कर नाजायज तरीके से रहने लगी।